आयशा आप क्या बताना चाहेंगी? मैं भी कुछ वाकयात हैं जो मेरे साथ गुजरे हैं, और मेरी अपनी बहन, छोटी बहन के साथ ऐसा हुआ कि वो बहुत, जब वो 10-11-12 साल की होगी, हम अपनी फैमिली के साथ एक जगह गए ना तकरीब में, जब वहाँ से वापस आए तो 12-12:30 बजे का टाइम था ना, तो ऑटो में आ रहे थे हम लोग, हमारा ऑटो रुका, एक सेकंड के लिए रुका और फिर स्टार्ट हो गया। लेकिन उस वक्त तो किसी ने इतना नोटिस नहीं किया इस बात का कि ये क्या हुआ था, हालांकि बिल्कुल साफ़ सुथरा रोड था, कोई रुकावट भी नहीं थी। लेकिन फिर जब हम लोग घर आ गए तो वो बहन मेरी जब रात को सोई है और सुबह जब वो उठी है तो उसको बुखार हो रहा था। अच्छा, वो बहुत खूबसूरत है मेरी छोटी बहन, बहुत आइस उसकी बहुत खूबसूरत हैं, बहुत लंबे लंबे बाल हैं, तो उसके अक्सर होता है लोग उसकी तारीफ़ भी बहुत करते हैं। तो अम्मी ये समझी कि शायद उसको नज़र लग गई है, अम्मी ने सुबह पढ़ के दम वम किया उस पर और उन्होंने कहा शायद उसको नज़र लग गई है। लेकिन अम्मी ने नोट किया कि थोड़े थोड़े दिनों में वो कुछ कुछ लग रहा था कि चेंज आ रहा है इसमें ना, डरती थी, खौफ ज़्यादा हो गई थी। फिर कुछ टाइम के बाद ना वो रात को जब सोती तो लेटे लेटे कहती कि ना वो बैठा हुआ है, वो देखे वो सामने मुझे देख रहा है, वो देखे पाँव लटका के बैठा हुआ है, उसके बेड के सामने शेल्फ टाइप था तो उसकी तरफ इशारा करती थी। तो बस इस तरह की चीज़ें होती थी थोड़ी बहुत। तो अब मैं जो है, मतलब मैं भी डरती थी इन सब चीज़ों से, तो अक्सर होता था कि उसकी चोट के निशान नज़र आ रहे होते थे आपकी बहन के। जी, और उसकी शादी नहीं होती थी, रिश्ते विश्ते नहीं हो रहे थे, तो इस तरह के कुछ वाक़यात हो जाते हैं। उसके अलावा मेरा अभी रिसेंटली, अभी आपकी बहन की शादी हुई कि नहीं? नहीं हुई, उसकी शादी नहीं हुई अभी तक, जबकि आप कहीं थी बहुत खूबसूरत। जी जी, आपने पता करवाया कि क्या वजह? जी, जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो सभी ने यही कहा कि आप रूहानी इलाज करवाइए। तो जब रूहानी इलाज के लिए गई अम्मी तो पता चला किसी ने कहा कि कुछ मसला है, मतलब तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस ये कहा कुछ मसला है। क्या रिश्ते आते ही नहीं थे या चले? नहीं नहीं, आते थे बहुत रिश्ते। हाँ। लेकिन ना जिन पे काबिज हो जाए ना उनकी फिर शादियाँ उनकी शादियाँ नहीं होती। हमारी फैमिली में भी है एक खातून, उनके साथ रहा है सारी ज़िंदगी ये मसला ना, और हम बचपन से सुनते आए हैं, अभी तक, अभी कुछ साल पहले तक भी सुनते आए हैं। वो अभी कोई 65-68 की हो गई है, उनकी शादी नहीं हुई। जहाँ पे बात होती थी, इवन निकाह होते होते रुका, हाँ, नहीं, मंगनियाँ होते होते रुकी, वो उनकी शादी होने ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। ला। अभी रिसेंटली मुझे नहीं पता कि क्या था क्या नहीं, मेरे पिछले साल की बात है कि मेरे बेटे की डेथ हो गई। आपके बेटे की? जी। अच्छा, 31-32 ये एज थी उसकी। बहुत अफसोस। तो उसी दिन मेरी बेटी की माइयों भी थी। अच्छा। और उसी दिन सारे काम हो गए थे, हम तैयारी कर रहे थे और एक इवेंट शुरू होने वाला था, घर में ही माइयों रखी थी, उसने सारे काम सुबह से सब कुछ किए मेरे बेटे ने। और उसके बाद शाम में जब लोग इकट्ठा होना शुरू हुए, मैं खुद तैयार होकर खड़ी हुई थी, मैं घरारा पहनी हुई तैयार हुई हुई थी बिल्कुल, और बस पता नहीं मुझे क्या हुआ अचानक कि मैंने उसको बोला कि बेटा अपनी बहन के लिए ना गजरे ले आओ। तो ना उसने कहा कि अम्मी क्या ज़रूरी है, बस उसने मुझे एक जुमला कहा, अम्मी क्या ज़रूरी है। मैंने कहा कि हाँ ले आओगे तो अच्छा है, बहन खुश हो जाएगी, उसकी पिक्चर्स अच्छी आएंगी। तो वो फिर ना गजरे लेने चला गया। अब वो गजरे लेने गए, उसकी गजरे वाले की दुकान पर उसकी डेथ हुई है। तो लोग, कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद कुछ ऐसा मसला हो, क्योंकि मग़रिब का टाइम था। नहीं तो वो उस कुछ, मतलब लाइक वो बुखार बुखार कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो वहाँ गया है तो क्या हुआ उसको, कोई हार्ट अटैक हुआ या क्या? नहीं, उसको ये हुआ कि वो एक शॉप थी स्टेशनरी की और फूलों वाले की दुकान ना इतना फासले पर थी, थोड़े जैसे ये स्लैब बना हुआ है ना इस तरह, वो फूल वाले की दुकान पे गया। उसने पहले उसकी स्टेशनरी वाले के पास गया, उसने कहा मुझे पानी पिला दें, प्यास लग रही है। तो उसने पानी पिलाया, पानी पी के वो फूलों वाले के पास आया, उसने वहाँ खड़े होकर इंतकाल से 10 मिनट पहले मेरी बेटी को फ़ोन किया है। उसने कहा मुझे नहीं मिल रहा ना फ्लावर जो तुमने मंगवाए, नहीं मिल रहा है। तो वो उसने कहा नहीं मुझे वही चाहिए भाई, मुझे वही वाले चाहिए। तो इतनी बात हो रही है उसकी सबसे। अब वो यहाँ आके फिर उसने पानी पी के और वो कुछ चेंज लेना था उसको शायद, तो वो जैसे फ्लावर वाले की दुकान से वापस पलटा ना, एक कदम वहीं गिर गया वो। तो वो जैसे ही गिरा ना तो स्टेशनरी वाला भाग के गया और उसने जाके अजान देनी शुरू कर दी। मैंने उसको बोला तुमने अजान क्यों दी थी, लोग तो कलमा पढ़ा देते हैं, तुमने अजान क्यों दी? वो कहने लगा बाजी मैंने इसको अजान देनी शुरू की, अजान ये मेरे साथ दोहराता रहा। और जैसे ही मैं हयालल फला पे पहुंचा तो ये खड़ा हो गया, और फिर खड़ा होके ना उसने कहा मुझे शहद मंगा दें,
शहद मंगा दे, वैसे तो हम लोग शहद बहुत यूज करते हैं शायद इसलिए, लेकिन उसने कहा मुझे शहद मंगा दे, वो शहद उसने मंगाने के लिए उसको बच्चे को भेजा, फिर वो खड़ा हुआ तो वो कहने लगा कि ना एक काम करो तुम वहाँ चले जाओ शॉप के उस तरफ जाके बैठो, तो वो दो कदम गया और फिर गिर गया दोबारा, और जब गिरा तो उसने कलमा पढ़ा दिया, और कलमा पढ़ाते उसकी डेथ हो गई। अब ये नहीं पता कि लोग कहते हैं मुझे कि ऐसा मसला हो सकता था, शायद ये हुआ होगा, इस तरह के मामलात हों, मुझे नहीं लगता। बहरहाल ये जैसे आप बता रही हैं, आपने कोई टेस्ट वगैरह कर मतलब इस तरह कुछ पता चला, हार्ट अटैक निदा कुछ मौका ही नहीं मिला, जहाँ भी ले गई उन्होंने कहा आप बहुत देर में लाई हैं, बहुत देर में लाई हैं, मुझे खुद नहीं पता। नहीं, बहुत यंग बच्चों के भी हार्ट का प्रॉब्लम आ जाता है, कुदरती हम ऐसे होता है, कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से होता है। जब किसी ने मुझे कहा ना ये इस तरफ मेरा ध्यान दिया कि जी शायद ये मसला तो नहीं था, तो मुझे याद आया कि वो कुछ दरियाँ वगैरह लेकर आया था ऊपर ना, तो उसने बिछाई थी दरियाँ, तो वो कहने लगा अम्मी किसी दरी में से ना मुझे स्मेल आ रही है थोड़ी सी, उसने अलमारी से जाके ना इतर निकाला और इतर लेके हाथ में लगा के इधर उधर लगाया, उसके बाद वही इतर जेब में रख के और वो चला गया था। तो मुझे थोड़ा सा लगा, बहरहाल मेरा तो इस बात पे यकीन है कि अल्लाह का हुक्म होता है तो तभी मौत होती है, इंसान अल्लाह के हुक्म के बगैर जा ही नहीं सकता, एक जर्रा भी नहीं मिल सकता, तो मौत तो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जब लोग कहते हैं तो आपका जहन जाता है उस तरफ। हाँ हाँ, मैंने सुबह सुबह उदास हो गई, मैं कुछ और सोच रही थी कि हम जैसे आपस में जिक्र करते हैं, जिक्र करेंगे चीज खत्म हो जाएगी। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code then register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat.